हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने जितना भी टॉपिक्स पढ़ा है वो सब के सब ग्रामर पोर्शन के था। अब हम लोग बुक की बातें करेंगे। तो हमारा जो बुक स्टार्ट होता है उसका जो है प्रथम पाठा से पहले एक प्रेयर है, यानी प्रार्थना। तो आज हम लोग पहले प्रार्थना पढ़ेंगे फिर हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हमारा जो भी चैप्टर स्टार्ट होगा उसमें सब जगह ग्रामर का यूज होगा, और ग्रामर हम लोग जो पढ़ते जाएंगे उसको देखेंगे कि कहाँ कहाँ उसका यूज होते जा रहा है। अब देखिए, प्रार्थना सबको अच्छे से दिख रहा होगा, सभी लोग अपनी कॉपी खोल लेंगे और प्रार्थना लिखते जाएंगे। जैसे मैं लिखी हूँ वैसे ही आप लोग अपनी रूलिंग वाली कॉपी में लिख लेंगे। और देखिए इसको पढ़ेंगे कैसे। सर्वस्त तर्तु दुर्गाणि सर्वे भद्राणि पश्यतु, सर्वाः कामान् वाप्नोतु, सर्वाः सर्वत्र नन्दतु। यानी सर्वस्तर्तु, एक एक वर्ड को हम फिर से दोहराते हैं ताकि आपको पढ़ने में कंफर्ट हो। सर्वस्तर्तु दुर्गाणि सर्वे भद्राणि पश्यतु, सर्वाः कामान् वाप्नोतु, सर्वाः सर्वत्र नन्दतु। यानी ये जो एक लाइन खींची है, ये दो लाइन खींची, इसका मतलब है कि ये एक यहाँ से स्टार्ट होता है ये सेंटेंस और फाइनली यहाँ पे आके कंप्लीट होता है। तो अब हम इसका संस्कृत देखेंगे कि संस्कृत में क्या अर्थ होता है। यहाँ देखिए सरलार्थ, सरलार्थ का मतलब सरल अर्थ, यानी जिसको हम आसानी से समझ सके उसको सरलार्थ कहते हैं। देखो बेटा क्या कह रहा है, सब मनुष्य कठिनाइयों को पार करे, सबका कल्याण हो, सभी की इच्छाएं पूरी हो, तथा सब सभी स्थानों पर प्रसन्न रहें। यहाँ स्थानों लिखा हुआ है, आप इसे थोड़ा नहीं दिखता है, अब देखिए दिख रहा होगा, स्थानों पर प्रसन्न रहें। तो ये पहला वाला श्लोक का ये अर्थ है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहता है क्या, नमामि ईश्वरं प्रातः नमामि जनकं तथा, नमामि मातरं पूज्यामा नमामि शिक्षकामस्तथा। मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, आप लोग पढ़ोगे इसको इसी तरीके से। नमामि ईश्वरं प्रातः नमामि जनकं तथा, ये थ है बेटा, तया नहीं समझेगा इसको, तथा नमामि मातरं पूज्याम नमामि शिक्षकामस्तथा। और फिर हम इसी तरीके से इसका अर्थ भी देखेंगे क्या है। मैं प्रातः ईश्वर को प्रणाम करता हूँ, मैं अपने पूज्य पिताजी को तथा पूज्या माताजी को प्रणाम करता हूँ, मैं अपने गुरु जनों को प्रणाम करता हूँ। देखो बेटा कितनी अच्छी बातें हैं, आप लोग को भी ये चीज़ अमल करना चाहिए, सीखना चाहिए सुबह सुबह उठ करके कि प्रातः ईश्वर को प्रणाम करना चाहिए, उसका फिर अपने पिताजी को, फिर अपने माताजी को प्रणाम करना चाहिए, उसके बाद आपको अपनी दिनचर्या को शुरुआत करना चाहिए। ये सब हमारा संस्कार होता है। अब है अगला श्लोक, प्रभो देखो ये है साइन ऑफ एक्सक्ला मेशन, यानी इसको बोलने के बाद फिर रुकना है। प्रभो देश रक्षा बलम में प्रयक्ष, नमस्ते। ये जो है आधा एस के जैसे, इसको अ पढ़ते हैं आधा अ, तो इसको क्या पढ़ेंगे, नमस्ते अस्तु देवेश बुद्धि च यक्ष सुतास्ते वयम शूरवीरा भवाम, गुरुन मातरम चापी तातम नमाम। मैं इसको एक बार फिर रिपीट करती हूँ, आप लोग इसको पढ़ेंगे। प्रभो
देश रक्षा बलम में प्रयक्ष, नमस्ते अस्तु देवेश बुद्धि च यक्ष सुतास्ते वयम शूरवीरा। भवाम गुरुन मातरम चापि तात नमाम। अब देखो बेटा इसका अर्थ क्या कहता है, कहता है हे प्रभु मुझे देश की रक्षा करने की शक्ति दो, हे परमेश्वर आपको मेरा नमस्कार हो, हे देव मुझे उत्तम बुद्धि दो, हम आपके पुत्र शूरवीर बने, हमें गुरुओं को तथा माता पिता को भी प्रणाम करे। यानी हम गुरुओं को तथा माता पिता को भी प्रणाम करें। तो सभी बच्चों आप लोग इसको अपनी अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लोगे और इसको याद करोगे। इसके बाद हम लोग प्रथम पाठ का शुरुआत करेंगे, उसके बाद जो है उसमें जितना ग्रामर्स हमने पढ़ा है उसका यूज होगा। और जो प्रथम पाठ है बेसिकली उसमें आपको जो लकार अभी अभी मैंने पढ़ाया है विधि लिंग लकार उसका यूज है। तो हम लोग चैप्टर्स को पढ़ेंगे, देखेंगे कहाँ कैसे यूज है, फिर उसका मैं क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन भी भेज दूंगी। तो आज के लिए बस आपका इतना ही टॉपिक है, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़िए। बाय, थैंक यू।